हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है Mi 11X। फाइनली Mi 11X के यूजर्स को जो है MIUI 14 बेस्ड Android 13 का जो अपडेट है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे Android 13 सिक्योरिटी पैच आपको यहां पे जनवरी 1 2023 का यहां पे देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि Jio 5G जो है अब सपोर्टेड है। आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा फुल्ली वर्किंग है, सारी की सारी चीज जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे एंड्रॉइड वर्जन 13 है, सिक्योरिटी पैच आपको 1 जनवरी 2023 का यहां पे दिया गया है और MIUI 14 का 14.0.2.0 वर्जन जो है यहां पे आपको देखने को मिला है। अब सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है 5G काम कर रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे Jio 5G जो है हमारे फोन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपको इसकी कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि Jio 5G वर्क करेगा कि नहीं करेगा। फाइनली जो है Jio 5G का सपोर्ट आपके Mi 11X फोन के लिए अब दे दिया गया है। बट काफी लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको यहाँ पे MIUI का डेलर मिलेगा, तो नहीं, आपको डेलर गूगल का ही देखने को मिला है। MIUI का डेलर जो है सिर्फ उन डिवाइस को देखने को मिल रहा है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि जो नए डिवाइस आ रहे हैं उनको ही MIUI का डेलर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराने डिवाइस हैं उनके साथ गूगल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको पुराने डिवाइस में अभी गूगल का डेलर ही और गूगल का ही मैसेजिंग ऐप देखने को मिलेगा। फोल्डर में जरूर आपको एडिट फोल्डर का ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें इनलार्ज या एक्सेसिव साइज आप ये यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको सुपर आइकन का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसी तरीके से जो है अब विजेट्स का सपोर्ट भी आपको इस लॉन्चर में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विजेट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो भी विजेट आपको पसंद है उसको आप अपनी होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम कुछ विजेट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फाइनली विजेट्स का सपोर्ट भी आपको इस अपडेट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सुपर आइकन्स का सपोर्ट अभी आपको नहीं दिया गया है। हाँ, आपको जो है लॉन्चर है वो भी फुल्ली अपडेट कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे लॉन्चर में आपको बैलेंस टेक्स्ट जो फास्ट जेस्चर्स होते हैं वो सब मिलते हैं। आइकन साइज में आप कलर लेआउट्स को आप चेंज कर पाते हैं, ये चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखने को मिली है। ऐप वॉल्ट भी अब अपडेट कर दिया गया है, आपको नया ऐप वॉल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ पे यूज करते हैं। रीसेंट ऐप जो है कुछ इस तरीके लुक के साथ आपको देखने को मिलता है। अगर आप मेमोरी एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो उसके इन्फो भी अब आपको यहाँ पे ऊपर टैब में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नीचे जो स्लाइडर है कुछ इस तरीके से आप स्लाइड करते हैं तो आप इसको यूज कर पाते हैं। आप कुछ देख पाएंगे कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिल पा रहा है। स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम जो है इसको अपडेट करते हैं तो आपको जो है लॉन्चर में काफी लैग यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट ये लैग जो है एक बार जब अपने फोन को आप फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे उसके बाद जो है ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी एंड्रॉइड वर्जन को अपग्रेड करते हैं तो आपको एक बार फैक्ट्री रीसेट करना रिकमेंडेड होता है। बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद ही रीसेट कीजिएगा, क्योंकि आप एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 के ऊपर आए हैं। अगर आप रीसेट नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत लैग या स्लटर यहाँ पर जरूर आपको लॉन्चर में कुछ देखने को मिलेगा इस टाइम पे। बाकी कुछ और चीजों की बात की तो सेटिंग्स पैनल जो है आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो है अब आपको जो है पॉकेट मोड यहाँ पे दे दी गया है। डिस्प्ले का सेक्शन एज इट इज वैसे ही है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के ऑप्शन मिल जाते हैं। AI इमेज इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको नया देखने को मिला है, बट मीडिया का टैब अभी भी यहाँ पे इसके अंदर मिसिंग है, जो कि आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में एडिशन कार्ड्स में भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ आपको स्मार्ट होम का ही ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ चीजें जरूर चेंज हुई हैं बट कुछ फीचर्स अभी भी इसके अंदर यहाँ पे मिसिंग है। वॉलपेपर में जो है आपको नए वॉलपेपर जो है जरूर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि आप सुपर वॉलपेपर जो आपको पहले मिलते थे, साथ ही साथ MIUI 14 की काफी बड़ी लिस्ट जो है अब वॉलपेपर्स में भी आपको यहाँ पे दी गई है। वो सुपर आइकन्स जो है अभी आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो थीम है उसके अंदर आपको सुपर आइकन्स का कोई भी टैब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जब सुपर आइकन्स का टैब आपको आपके थीम स्टोर में देखने को मिल जाएगा उसके बाद जो है आप सुपर आइकन्स को भी यूज कर पाएंगे, बट इस टाइम पे आपको सुपर फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है और विजेट्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। MIUI 14 का लेटेस्ट अपडेट है, इस टाइम पे ये पब्लिक जो टेस्टर्स हैं उनके लिए रिलीज किया गया, बट जल्द ही ये पब्लिक बिल्ड को भी रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी कुछ और चीजों की बात की जाए तो आप सेफ्टी एंड इमरजेंसी का लुक एज इट इज वही है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप देख पा रहे होंगे ज्यादा आपको फीचर्स नहीं मिले हैं, जो कि चाइना के अंदर काफी सारे टूल्स दिए जाते हैं वो चीजें अभी मिसिंग है। बैटरी के अंदर आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर और सेफ बैटरी बैलेंस और परफॉर्मेंस का मोड जरूर देखने को मिला है। नॉर्मल चार्जिंग कितने आपने यूज की है और कितने बार चार्ज किया है वो सारी चीजें आप मिल जाती हैं। ऐप्स में आपको ड्यूल ऐप परमिशन, ऐप लॉक, मैनेज ऐप्स वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन दिया गया है, मेमोरी एक्सटेंशन आपको दिया गया है, सेकंड स्पेस एंड फ्लोटिंग विंडोज भी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें साइड बार को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम गैलरी के अंदर साइड बार को यूज कर रहे हैं तो देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। आप गैलरी के अंदर जो है यहाँ पे जो अपने फोल्डर्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक टाइम पे आप दो फोल्डर्स को यहाँ पे
एक साथ यूज कर पाते हैं। तो यानी कि ड्यूल फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन जो है अब आपको यहाँ पे इस नए अपडेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर गेम बूस्टर की बात की जाए तो उसको हम अपने जो है मी रिमोट के अंदर यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरह का लुक आपको देखने मिलता है। तो ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक मिलता है जिसमें वॉइस चेंजर वगैरह आपको बूस्ट करने के लिए सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। यही सब चीजें जो है आपको गैलरी के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको स्टाइल पिक्चर डॉल्बी एटमॉस और साउंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। रिसेंट टैब्स को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करते हैं। फोल्डर में कुछ इस तरीके एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलता है। जब कभी आप फोन को अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जूम इफेक्ट जो है यहाँ पे अपने वॉलपेपर्स में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिली है। तो फाइनली अच्छी बात यह है कि MIUI 14 का अपडेट जो है अब आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जिसको आप अपने Xiaomi के फोन में यूज करते हैं। ब्लॉटवेयर की बात की जाए तो ब्लॉटवेयर आपको जरूर यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जैसे प्राइम वीडियो वगैरह। ये कुछ एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जिनको आप अनइंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये Xiaomi सर्विस फीडबैक है, इसको आप अनइंस्टॉल करना चाहे कर सकते हैं। सर्विसेज एंड फीडबैक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट है, इसको भी आप यहाँ से रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो काफी सारे ब्लॉटवेयर को अब यहाँ से आप अपने फोन में रिमूव भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सेंटर जो है अभी आपको पुराना ही मिला है, बट अच्छी बात यह है कि आपको सुपर फोल्डर्स, नए विजेट्स, आपको साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर नया यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और ऐप वॉल्ट भी आपको अब जो है अपडेटेड यहाँ पे मिल चुका है एक नए लुक के साथ। और कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको और भी सेटिंग्स पैनल में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट सबसे अच्छी बात यह है कि जियो का 5G सिम को सपोर्ट अब आपके Mi 11X फोन को देखने को मिल चुका है। और एंड्रॉइड 13 के साथ अब आपको ये अपडेट दे दिया गया है। तो अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर देगा कि आपके फोन की परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है या आपको थोड़ा बहुत इसमें लैग या स्लटर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।